ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में, और आज हम लोग बात करते हैं उस इंस्ट्रक्शंस के बारे में जिसका हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस था मेरा कंपैरेटर, नहीं, मैथ इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मैथ फंक्शंस के बारे में मतलब पे क्लिक किए, और ये सब सारा मेरा इंस्ट्रक्शन रहा। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कुछ कुछ के बारे में बात कर चुके थे, और जो बचा हुआ था उसके बारे में आज हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं वो नेटवर्क को बना लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ करके एक स्विच ले लेते हैं, और स्विच लेने के बाद में एक इंस्ट्रक्शन से यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन पैलेट से, जो आज मेरा एक इंस्ट्रक्शन है कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस को कनेक्ट कर लिए, और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आ करके एक दूसरे नेटवर्क में एक और स्विच लिए, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम लोग ले लेते हैं टैन। ठीक है, इन द सेम फैशन वी कीप ऑन कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट नेटवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ए यहाँ पे ए साइन है, इसका नाम है आर्क साइन, है ना। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्टेक्ट और लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं ए कॉस। यहाँ पे आकर के इसको ए कॉस पे क्लिक कर लिए, है ना, यहाँ प्लेस भी कर दिए। उसके बाद एक कॉन्टेक्ट नेक्स्ट नेटवर्क में और लेते हैं, और एक कॉस के बाद है ए टेन। यहाँ पे देखिए दो तरीके का इंस्ट्रक्शन है, एक है आपका सिंपल साइन कॉस टेन, और एक है ए साइन ए कॉस ए टेन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पे ए लगा हुआ है वो आर्क साइन है, और जहाँ पे सिर्फ साइन कॉस टेन है वो सिंपल साइन कॉस है ना, जिसका की जो वैल्यू होता है वो रेडियन में होता है, इसका जो वैल्यू होगा वो डिग्री में होगा। ठीक है ना, इतना। इसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद में फिर से एक कॉन्टेक्ट हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नेटवर्क में, और वो नेक्स्ट नेटवर्क में जो मेरा कॉन्टेक्ट है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एफ फ्रैक्शन, इसका नाम होता है रिटर्न फ्रैक्शन, इसका देखिए नाम होता है राइट। अदरवाइज उस इंस्ट्रक्शन पे आप कर्सर को ले जाइएगा, प्लेस करिएगा और रखिएगा, वो आपको वैल्यू दे देगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है एक्सपोनेंशियल, तो इस एक्सपोनेंशियल को यहाँ पे ला करके, है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंशिएट, है ना, एक्सपोनेंशिएट है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग जब सारे इंस्ट्रक्शन को ले आते हैं, उसके बाद सबसे टॉप में चलते हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे एड्रेस देते हैं। तो सबसे पहला जो काम यहाँ पे करेंगे, एक एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे i0.0, और यहाँ पे जस्ट आकर के इंटरप्रेस करते हैं, और इस कॉस में हम लोग यहाँ पे आ करके एक वैल्यू दे देते हैं, कितना 30, मतलब 30 दे देंगे तो ये पहले लेगा नहीं, या ले भी लेगा तो ये रेड दिखाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसका डेटा टाइप को चेंज करेंगे। तो इसका डेटा टाइप को चेंज करने के लिए यहाँ पे आकर के सबसे पहले इसको रियल कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन दे देते हैं MW11। ठीक है, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन दे दिए, है ना। फिर दूसरे नेटवर्क में आ करके यहाँ पे हम लोग दे देते हैं i0.1, ठीक है, यहाँ पे दिए, और उसके बाद आ करके इसका भी डेटा टाइप यहाँ पे चेंज कर देते हैं रियल, और इस इनपुट में आ करके इसका टैन है तो इसको दे देते हैं टैन 45, इसको 45 देते हैं। 0.0 वो अपने आप ले लेगा क्योंकि रियल में है, जो भी वैल्यू आप दीजिएगा वो रियल में उसको अपने आप ले लेगा। और रही बात आउटपुट का, तो आउटपुट में यहाँ पे MW इसको 12 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंस्ट्रक्शन मेरा डेटा एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे तीसरे नेटवर्क में आ करके यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं i0.4, तीसरा में i0.4 दे दिए, और इसका भी डेटा टाइप यहाँ से आकर के चेंज कर लेंगे रियल, और यहाँ पे क्लिक करके इसको हम नाम दे देते हैं इनपुट साइन। तो इसका नाम दे देते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू दे देते हैं इनपुट में वो दे देते हैं, इसको 30 दे सकते हैं, अदरवाइज 30 तो दिए हुए हैं, इसको 60 दे देते हैं। ठीक है, ओके, इसको एंटर करते हैं, और ए साइन में आकर के यहाँ पे दे देते हैं MW, इसको 12 ले चुके हैं ऑलरेडी, 13 यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, 13 लेने के बाद में यहाँ पे फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, और इसका एड्रेस दे देते हैं i0.4 ले चुके हैं, इसको 5 देते हैं इंटर। फिर से इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आकर के इसको रियल करते हैं, और इधर में आकर के कॉस 60 है, इसको कॉस 90 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसको MW13, इसको 14 ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 14 लेने के बाद में यहाँ पे i0.6 दे देते हैं इसको, वहाँ पे 1 हो गया ना, तो इसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे,
एडिट कर लेंगे और यहाँ पे i 0.6 इसको एंटर कर लेते हैं। फिर से इसका डेटा टाइप यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे आ करके इसको A10 है तो इसका 45 दे देते हैं, या इसको इसको दे देते हैं कितना 90 दे देते हैं, ठीक है यहाँ पे 90, और ऑट में यहाँ पे MW 15 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रैक्शन रिटर्न में यहाँ पे आ करके इसको हम एक क्या करते हैं फ्रैक्शन में इनपुट दे देते हैं i 0.7, इसको इन 7 दे दिए और इसका डेटा टाइप में यहाँ पे आकर के क्लिक करके इसको रियल कर लेते हैं और ए फ्रैक्शन में यहाँ पे आकर के इसका वैल्यू दे देते हैं कितना 54.01234 ऐसे करके एक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है इसको ऐसे ही कोई वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ पे आ करके इसका हम अगर लोकेशन देंगे MW 16 तो ए आई थिंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा रीज़न क्या है कि रेड दिखा रहा है, रीज़न क्या है कि ये जो डेटा टाइप है इसका मैच नहीं कर रहा है। तो डेटा टाइप मैच करने के लिए हम क्या करेंगे इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम एड न्यू ब्लॉक में चले जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही खुलेगा तो डेटा ब्लॉक में क्लिक करके इसको ओके करेंगे और यहाँ पे दो हम लोग अलग अलग ऐसे करके यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे करते हैं REAL रियल DAATA रियल डेटा, इसको 1 के नाम से एक नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्लिक करके, और डेटा टाइप चेंज क्या करते हैं इसको रियल करना है तो रियल सबसे नीचे में है यहाँ पे आकर के इसको रियल कर लिए और एक डेटा टाइप और बना लेते हैं REAL DATA रियल डेटा, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है दो डेटा टाइप बनाए हैं दोनों रियल ले लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बैक टू मेन प्रोग्राम चले जाएंगे हम लोग को यहाँ पे है और यहाँ पे क्लिक करके इसका ये जो बगल में बुक वाला सिंबल है यहाँ पे क्लिक करके डेटा ब्लॉक पे चले आए, सॉरी डेटा इसको डेटा ब्लॉक पे हम लोग को क्लिक करना है, डेटा ब्लॉक पे है ना, डेटा ब्लॉक पे क्लिक किया और रियल डेटा 1 पे क्लिक करते हैं, इसको ले लिया, देखिए अब एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे आकर के एक्सपोनेंशिएट में यहाँ पे आकर के i 0.8 पे क्लिक करते हैं और i 0.8 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करते हैं एक इनपुट तो चाहिए ना, तो इनपुट तो चाहिए तो यहाँ पे आ करके i 0.8 इसको यहाँ पे देते हैं तो ये बोलता है कि इनिशियल कॉल बूलियन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं इनेबल में i 0.8 नहीं होता जी, तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या i 0.7 हो गया ना, तो इसको करते हैं यहाँ पे i 1.0 इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना i 1.0 करते हैं और यहाँ पे आ जाने के बाद में इसका इनपुट 1, तो इनपुट 1 और इनपुट 2 में इसका कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो इनपुट 1 में हम लोग इसको देते हैं यहाँ पे आ करके समथिंग कुछ ऐसे 14, ठीक है। तो ये 14 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो आपको बता रहा है रियल और इसका भी डेटा टाइप हम लोग कर देते हैं इंटीजर, ठीक है। और इनपुट 2 में इसको दे देते हैं हम लोग 19.0 तो अपने आप तो ले ही लेगा, ठीक है यहाँ पे। और आउटपुट में यहाँ पे इसका डेटा टाइप दे देते हैं 2 तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे डेटा ब्लॉक में आ करके इसका सॉरी 1 नहीं, इसको हम लोग को करना होगा 2, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं लिया है, इसको डिलीट कर दीजिए, फिर से डेटा ब्लॉक में क्लिक करके इसको 2 पे क्लिक करके इंटर कर देते हैं, देखिए ले लिया। अब यहाँ पे आ करके एक्सपोनेंशिएट में क्या दिखाता है वो आगे बता देते हैं, e to the power दिखाएगा आपको, पावर के फॉर्म में दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 by 1 करके बात कर लें कि क्या काम करेगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे देखे हैं मतलब कॉस का टैन का जो वैल्यू देगा वो देगा कॉस 30 रेडियन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे टैन 45 रेडियन के रेस्पेक्ट में देगा, लेकिन यहाँ पे ए साइन है मतलब आर्क साइन है मतलब ए डिग्री के रेस्पेक्ट में आउटपुट देगा, मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू
वैल्यू क्या होता है वो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टैन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना। फिर ये फ्रैक्शन रिटर्न है, इसका आउटपुट क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शन रिटर्न है, कहने का मतलब कि देखिए फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या है 54.234 है ना, मतलब कि डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसको जस्ट एज इट इज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। एक्सपोनेंट में क्या है कि इसका आउटपुट जो होता है वो दिखाता है ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में दिखाता है, ठीक है ना। तो ई कौन होता है, इनपुट, जो इनपुट वन जो होता है उसका वैल्यू होता है ई के इक्वल, और जो पावर होता है वो जो होता है उसके, मतलब इनपुट टू जो होता है उसके पावर होता है, मतलब है 19। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे अगर एडिट करके अगर इसको हम टू कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 14 दिखा रहा है ये इसका वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के आप चाहें तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई छोटा वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है, तो 5 और इसके पावर के फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर में चलेंगे और अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आ करके इसको हम कंपाइल पे क्लिक करते हैं। जब ये मेरा प्रोसेस कंपाइल का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बगल में ऑप्शन है डाउनलोड टू डिवाइस, इस पे क्लिक करते हैं और सबको देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज जो मेरा इंस्ट्रक्शंस होगा इसका मैथ कंप्यूट मैथ का वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। और पहले इसको रीजनल इनिशियलाइज करते हैं और करने के बाद यहाँ पे लोड कर देते हैं। जब लोड हो जाएगा तो ये मेरा जो प्रोग्राम है ये सब डाउनलोड हो जाएगा पीएलसी में, और हो जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक बार गो ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं और एक एक करके हम लोग क्या करते हैं आउटपुट को जस्ट इसका चेक करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम मेरा रन मोड में आ जाएगा इसके बाद हम यहां पे आ करके सिमुलेशन ऑन ऑफ पे, मतलब पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है मॉनिटरिंग ऑन ऑफ, ठीक है। तो यहां पे क्लिक करते हैं और ये मेरा प्रोग्राम रन मोड में आ गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ही इनपुट मेरा ऑन है तो यहां पे I0.0 साइन 30 कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, देखिए यहां पे 0 दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या होता है, यहाँ पे I0.1045 डिग्री का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 के अप्रॉक्स दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे 1040 ये तो रेडियन में है ना, तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, रियल साइन आर्क साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है ऐसे करके, फिर इसका भी वैल्यू 0 दिखा रहा है कॉस आर्क का। और यहाँ पे आकर के इस दोनों का अगर हम लोग देखेंगे इधर में तो I0.6 है टैन का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं तीनों का, तो इसको करते हैं सबसे पहले I0.6 को यहाँ पे ऑन करते हैं। तो जैसे अगर नहीं ऑन किए हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है 2, तो I0.6 को ऑन करते हैं, 4, 5, 6 को ऑन किए हैं। जैसे ही ऑन किए हैं देखिए वहाँ पे एक वैल्यू दिखा रहा है और वो था आपका यहाँ पे दिखा रहा था 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए I0.7 को ऑन करिएगा तो यहाँ पे इसका जो फ्रैक्शन होगा वो रिटर्न वैल्यू दिखाएगा, वो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको वो वहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जब नेक्स्ट को ऑन करते हैं I1.0 को जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे वो दिखा रहा है उसका वैल्यू पावर के फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है ना। जो पावर होगा मतलब 10 का जो पावर होगा उसके फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट यहाँ पे आकर के सबको देख लेने के बाद में जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे सभी को हम क्या करते हैं एक बार में मतलब सबको ऑफ कर देते हैं, सारे सबका स्विचेस को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जब सबका वैल्यू मतलब ये स्विचेस को जीरो कर दिए तो देखिए सबका जो वैल्यू हो गया वो जीरो हो गया है, बट जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है वो वहाँ पे आपका दिखाते रहता है, ठीक है। तो 5 का देखिए 5 का पावर 2 तो 5 से कितना 25, यहाँ पे देखिए 25.0 दिखा रहा है ऐसे कर करके, और यहाँ पे फ्रैक्शन तो रिटर्न है 2 point something देखिए यहाँ पे 0 में दिखाई रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं मैथ इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके और हम लोग इसको मतलब अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो भी इस इंस्ट्रक्शंस को भी यूज़ करके हम लोग किट पे नहीं दिखा सकते हैं, मतलब रीज़न क्योंकि इसमें कोई आउटपुट ऐसे ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो भी है एक डेटा का मैनिपुलेशन
ऑपरेशंस हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन, राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, राइट, थैंक यू सो मच।